नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम समाचारों में। और दोस्तों अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल कर आ रही है। 8 राज्यों में आसमान से बरसेगी आफत। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1 दिसंबर तक दे दी भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां एक तरफ उत्तर भारत में ठंड शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अनुमान जताया है कि 1 दिसंबर तक भारत के 8 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में 1 दिसंबर तक मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। दरअसल कोमोरिन क्षेत्र और श्रीलंका के समुद्री तट के आसपास एक चक्रवात है और इस समय उत्तर पूर्वी हवा भी चल रही है। इस वजह से बारिश इन राज्यों में असर दिखा सकती है। इसके अलावा 29 नवंबर को अरब सागर में भी चक्रवात उत्पन्न हो सकता है, जिससे गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। इसी बीच दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाएं, वरना उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 दिन पहले भी तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश हुई, जिसमें चेंगलपट्टू, कुंडलोर, शिवथल्लूर और कांजीपुरम, चेन्नई, करलाई और मदुरई शामिल है। गौरतलब है दोस्तों कि बारिश की वजह से तमिलनाडु में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बारिश की वजह से तमिलनाडु और केरल में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को घर से निकालते समय काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने भी कहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा, दक्षिण तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में बना रहेगा। तो दोस्तों यह थी आज के मौसम समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।